हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज है फ्राइडे और आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कि आपने देखा होगा कि मैंने एक न्यूज़ शेयर की आपके साथ विच इज़ अ सरप्राइज इन द अपकमिंग डेज। और सरप्राइज है ये दैट वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। यस, वी आर गोइंग फाइनली वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। और ये ट्रिप हमारा बहुत महीनों से आई वुड से पेंडिंग चल रहा था, बस कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस होते जा रहे थे। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू द होल कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। ओके, अब जैसे कि आप देख ही सकते हो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, हम लोग जा रहे हैं मेरे मम्मी पापा की साइड से ऑन अ वीकेंड गेटअवे। और यही कल सैटरडे हम लोग जा रहे हैं, सैटरडे संडे का बस 2 दिन का ही ये ट्रिप रहेगा छोटा सा। और काफी टाइम बाद ये हमारा फाइनलाइज हो पाया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारा मतलब डीले होता ही जा रहा था फ्रॉम लास्ट 2022 से। हम ये प्लान कर रहे थे अपना ट्रिप कि दिसंबर में जाएंगे, फिर जैन में जाएंगे, फिर कभी कोई बीमार हो जा रहा है, कभी किसी के बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, you know, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। और फाइनली अब कल सैटरडे को हमारा प्लान बना है जाने का। सो हम जा कहाँ रहे हैं, राइट? तो पहले मैं आपको बता दूँ कौन कौन जा रहा है। मैं, मानसी, लक्ष्य, हम 3 जा रहे हैं यहाँ से। हम चारों सिस्टर्स, मैं आई एम द एल्डेस्ट वन, और मेरी जो और छोटी 3 बहनें हैं, हम चारों जा रहे हैं। हमारा चारों का फाइनल हो गया है और हमारे बच्चों का भी फाइनल हो गया है, बिकॉज अभी सबके एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो किसी का स्कूल का ऐसा कोई टेंशन है नहीं। और इन 2 दिन के लिए वी ऑल आर फ्री। हम सब ने बहुत ही मुश्किलों से ये फाइनलाइज किया है कल का प्रोग्राम, कल 2 दिन के लिए हमारा ये प्रोग्राम। सो फटाफट से पैकिंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे सब कुछ अपने आगे निकाल लिया है सारा सामान, अब बस जस्ट हमें बैग में फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, मैं ना हमेशा इस तरीके से एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या पैक करना है, क्या क्या लेके जाना है, सो दैट कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि कोई भी एक चीज पीछे छूट जाती है ना तो मैं तो आउट ऑफ माइंड हो जाती हूँ। मैं फटाफट से सारा सामान रख लेती हूँ, बस कुछ छूट ना जाए। वेकेशन चाहे एक दिन की हो या फिर पूरे एक वीक की हो, पैकिंग तो पूरी की पूरी करनी ही पड़ती है, राइट? फ्रॉम स्किन केयर टू कपड़े, मेकअप, एवरीथिंग हमको रखना ही पड़ता है। तो हर एक वो चीज़ जो हमें बाहर काम आने वाली है वो मैं यहाँ पे ध्यान से पैक कर ले रही हूँ, एंड मानसी इज ऑल्सो हेल्पिंग मी थ्रू आउट। और कल सैटरडे मॉर्निंग में ही हमें निकलना है, 7:30 अराउंड हमें निकल जाना है, बिकॉज 8 बजे मुझे पापा के घर पे पहुंचना है और 8 बजे की गाड़ी बुक हो रखी है ऑलरेडी, तो हमें 7:30 निकलेंगे तो 8 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो फटाफट मैं इसी टाइम शाम के टाइम अपनी सारी पैकिंग कर ले रही हूं और इसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर कर लूंगी। एटलीस्ट ये पैकिंग की टेंशन खत्म हुई रहेगी कि अभी पैकिंग करना बाकी है। तो रात के लिए मैंने पैकिंग को नहीं रखा है, सब कुछ मैं इसी टाइम अपना अच्छे से पैक कर लूंगी। एंड यस, अभी तक आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं है कि हम जा कहां रहे हैं। सो हम जा रहे हैं नीम राना, विच इज इन राजस्थान, और वहां पे एक रिजॉर्ट भी बुक हो चुका है। एंड एवरीथिंग इन दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय माई फादर दिस टाइम, बिकॉज वो हमेशा से चाहते थे कि जैसे बचपन में वो हम चारों को एक साथ लेके जाया करते थे घुमाने, इस बार वो हमें हमारे बच्चों के साथ लेके जाना चाहते हैं घुमाने। This is my favorite makeup organizer, और इसको मैं हमेशा इसी तरीके से यूज करने के बाद पैक करके रख देती हूँ ताकि इसकी शेप एज इट इज बनी रहे। और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, इसमें बहुत बहुत सारा सामान आ जाता है, अभी आप देखोगे इसमें मैं ढेर सारा सामान रखूंगी। सो इट हैज 2 कंपार्टमेंट्स, आप चाहो तो इसमें अलग अलग चीजें भी रख सकते हो, लाइक मैं एक में सारा अपना स्किन केयर रख रही हूँ, एक में सारी टॉयलेट्रीज रख लेती हूँ, लाइक मैंने अपना इसमें फेस वॉश भी रखा है, काफी सारी चीजें इसमें आ जाती है, मेकअप आ जाता है, स्किन केयर आ जाता है, जितना चाहो आप इसमें सामान रख सकते हो, दुनिया जहान का सामान इसमें आ जाता है। काफी ज्यादा स्पेशियस भी है और साथ साथ इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसके जिपर की क्वालिटी, इसका मटेरियल, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। ये हमारी कुछ लिपस्टिक्स मानसी और मेरी, और ये आईब्रो पेंसिल और काजल, सब कुछ एक साथ इस बैग में बड़े ही आराम से आ जाता है। देखो कितना सारा सामान आ गया, आपको दिखा रहा हूँ एक बार, इतना सारा सामान, अभी भी इसमें काफी स्पेस है, अभी भी हम इसमें और सामान रख सकते हैं, इतना ही। यहाँ पे मैंने कुछ दवाइयाँ भी रख ली हैं, लाइक इनो रख ली है और डोलो रख ली है, बैंडेड रख ली है, हाजमोला, ये सब मतलब छोटी मोटी दवाइयाँ जो कि बच्चों के साथ ज़रूरी होती हैं, और ये मेरी बेसिक दवाइयाँ जो कि मुझे खानी ही खानी है, इनको अब मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। सो ये 2 दवाइयाँ
दो क्या काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं ये मैंने इसी में ही करके रख लूँगी और छोटी सी डिब्बी में सेफ भी रहेंगी और एक जगह सब कुछ मिल भी जाएगा। और बस फुल पैकिंग के बाद शुरू होता है हमारी खुद की डेंटिंग पेंटिंग का टाइम। तो यहाँ पे मानसी भी अपना नेल पेंट रिमूव कर रही है और साथ में मैं भी बैठ गई थी अपना नेल पेंट रिमूव करने। और इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना पैकिंग का कि कोई एक चीज़ कितना भी सोचो कि छूट ना जाए बट कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। लाइक मेरा नेल पेंट जो पहले वाला था उसे मैंने रिमूव तो कर दिया था बट न्यू नेल पेंट लगाना मैं भूल ही गई। और अभी जो आपने लास्ट क्लिप्स देखी थी वो कल रात की पैकिंग वाली जो थी उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल कुछ शूट करने का। और अभी भी मैं बहुत जल्दी में हूँ, एक तरफ मेरी चाय चल रही है, पैकिंग हो चुकी है, बस लास्ट के जो कुछ एक चीज़ें होती है ना जो लास्ट मोमेंट पे ही रखने होते हैं लाइक टूथब्रश एंड ऑल, तो वो रखना बाकी है, बस ये सब रख लें फिर चलते हैं। ये यहाँ पे मैंने कढ़ी बना दी है हस्बैंड के लिए सिंपल, और ये चाय भी बन गई है उनके लिए, अपना लेके पी लेंगे गर्म करके। और इसमें मैंने रोटियां बना के रख दी हैं, इसे ढक दिया है, इसे बस अपना रोटी खा लेंगे वो लेके, रोटी चाय सब्जी कड़ी ऑल डन, किचन सेट। चलो हम लोग जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना, खाना बना दिया है, कड़ी रोटी सुबह शाम आराम से तीनों चारों टाइम का बना दिया, खा लेंगे ठीक है, अपना भी ध्यान रखना, मेरे घर का ध्यान रखना। और बस इसके बाद हम निकल गए थे सीधे पापा के घर के लिए और वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया पापा के घर पहुँचने के बाद क्योंकि फटाफट सब कुछ हो रहा था। नाउ मीट माय फैमिली, और ये है मेरी सबसे छोटी सिस्टर निशा और निशा की बेटी वाणी जो कि मेरी गोद में बैठी है, एंड दिस इज माय मम्मी मानसी। लक्ष्य से तो आप फैमिलियर हैं ही, और आगे बैठे हैं मेरे पापा। इधर जा रहे हैं बताओ, पानी बताइए, पता है जियाना के पास जा रही है फिलहाल, किसके पास? मानसी दीदी के पास, पीछे जाना है, अच्छा पीछे जाना है, चलो बोले तो पानी को लो, जहाँ पे हमने पिताजी का नाम बहुत अच्छा। हमारी ट्रिप में हमारी जर्नी में न्यू मेंबर आया है जियाना, जियाना हाय बोलो। ऑल राइट, सो जियाना जो है वो मेरी थर्ड सिस्टर रेखा की बेटी है और वो हमारे साथ गाड़ी में शिफ्ट हो गई है। एक्चुअली हम दोनों सिस्टर्स मम्मी पापा के साथ इस गाड़ी से जा रहे हैं और मेरी बाकी दो सिस्टर्स अपने बच्चों के साथ दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं। और जब ट्रेवल में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना तो फिर बहुत ही अलग ही एंटरटेनमेंट होता है, पूरे रास्ते गाना बजाना मस्ती खेल कूद खाना पीना बस यही सब थ्रू आउट द जर्नी चलता ही रहता है। वाले कुरकुरे हैं डार्क ग्रीन, लाइट वाला दे दो, आराम से लो भाई पीछे लो, आराम से और 3-4 घंटे का ट्रेवल छोटे बच्चों के साथ वन गो में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो वी टुक अ ब्रेक, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए और फोटोशूट भी किया और बच्चों की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी ना कि हम बड़े ही इतना अट्रैक्ट हो गए थे इन चीज़ों को देख के, तो बच्चे कैसे ना हों। कराएगी
ये कलर्स हैं पता नहीं कौन से, ये बबल क्या है, ये ब्लो पेन है, अच्छा ब्लो पेन, अब मुझे फूक मारो होता है, ये वही बबल्स वाला है, ये बॉल है स्लाइम वाली, ये डेनवर का ब्लू वाला दिखाना, इसके अलग टाइम ब्लाइंड में तेरा। और सारे बच्चे ऐसे ही सीट्स एक्सचेंज करते रहते हैं पूरी जर्नी में। जियाना जा चुकी है अपनी मम्मी की गाड़ी में वापस, और मेरी सिस्टर अनु का बेटा वंश आ गया है हमारे पास। और जैसे ही ये क्लीन एनवायरनमेंट देखने को मिले, इतनी ग्रीनरी देखने को मिले, साफ साफ बादल देखने को मिले, तो समझ लीजिए कि दिल्ली क्रॉस हो चुकी है और आ गए हैं हम क्लीन एटमॉस्फेयर में, क्लीन एनवायरनमेंट में, जहाँ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं है। और कब ये जर्नी हमारी कंप्लीट हो गई, 3-4 घंटे कहाँ निकल गए बिल्कुल पता ही नहीं चला बच्चों की मस्ती में। और रिजॉर्ट पहुँचने के बाद मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू रखा है, बट इस ब्लॉग में हम सिर्फ जर्नी ही रखते हैं बिकॉज ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है। सो दिस वॉज माई जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू नीमराना राजस्थान। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा व्लॉग जिसमें होगी फुल ऑफ मस्ती, धमाल, एंटरटेनमेंट, फुल्ली हैपनिंग व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, ये जर्नी अगर आपको पसंद आई हो, देन डू ऑल द गुड थिंग्स, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। आपका एक लाइक, एक कॉमेंट, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बहुत मैटर करता है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड most importantly subscribe to my channel guys। I'll see you in my next video, till then do take good care of yourself and thank you so much for watching।